क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं, एक्सरसाइज 2.1 है। कहता है शो करो कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ए, एक वेक्टर के डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू ए। यानी साबित हमने ये करना है कि अगर एक जो वेक्टर है ए और जो उसका डेरिवेटिव है ना, विद रिस्पेक्ट टू हम टी लेंगे, कहता है वो क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है या वो परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। यानी कि एक वेक्टर है ए, उसकी मैग्नीट्यूड कहता है बराबर है कॉन्स्टेंट के। एक वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हमने साबित ये करना है कि वो जो वेक्टर है ना, अगर वो परपेंडिकुलर है उसके डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए ये कंडीशन होती है या ऑर्थोगोनल है। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। उसके लिए कंडीशन है कि उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, अगर वो जीरो की कोल आ जाए तो फिर वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। अगर एक कांस्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, गौर से सुनिए, ये जो मैग्नीट्यूड होती है ना, जो मैग्नीट्यूड होती है ना किसी भी एक वेक्टर की, वो असल में होती है अंडर रूट इंटू डॉट प्रोडक्ट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है। मैग्नीट्यूड असल में उस, अगर हम इसको यानी कि इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो वो उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट होता है और ऊपर जजर, ठीक है। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयरिंग बोथ साइड अगर करें ना, तो ये क्या आएगा, जजर ख़त्म हो जाएगा और कांस्टेंट का स्केयर कांस्टेंट ही होता है। मैं इसको सी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये प्रोडक्ट है पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव टी के लिहाज से, प्लस फार्मूले का अब पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है जी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। अब वेक्टर में ए डॉट बी जो होता है ना, वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो ये ए और ये बी अगर लें और बी डॉट ए, तो ये दोनों सेम ही हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो डॉट ए यानी दो ए डॉट बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ए के जैसे हैं, सिर्फ जगह का फर्क होने से वो बराबर है, ये कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अब हमने जो टू है उधर को, उसको ऊपर उस तरफ ले जाएं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, टू को उधर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, यानी ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो ही हो जाएगा ना। तो यही हमने प्रूव करना था, यही ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं।